हेलो एवरीवन, आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी आयरन मैन की कहानी को देखेंगे, जिससे कि एमसीयू की शुरुआत हुई थी, जिसके लीड में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने ओपनहाइमर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर्स भी जीता है। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है टोनी स्टार्क की, जो कि एक जीनियस है, बिलियनियर है, वो हथियारों का सौदागर है। उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने उन्नत किस्म के हथियार अमेरिका के लिए बनाए थे, इसीलिए उसको सम्मानित करते हुए अवार्ड दिया जाता है। मगर वो अवार्ड नाइट में मौजूद नहीं होता है, इसीलिए उसका बिजनेस पार्टनर स्टेन उसकी जगह पर अवार्ड को ले लेता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त रोडी टोनी से जाके मिलता है, जो कि उस समय एक कसिनो में होता है। इससे हमें पता चलता है कि टोनी के लिए ये अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते। जिसके बाद वो कसिनो से निकलता है। एक रिपोर्टर टोनी से पूछती है कि आप हथियार बनाते हैं, इसीलिए लोग आपको मौत का सौदागर बुलाते हैं। टोनी कहता है, इस संसार में अमन कायम रखने के लिए हथियारों का होना बहुत जरूरी है। अगली सुबह हमें टोनी का आलिशान बंगला दिखाया जाता है, जहां टोनी काम कर रहा होता है। दरअसल उसकी अच्छी आदत ही उसकी सबसे बुरी आदत भी होती है, वो हमेशा काम करता रहता है। तभी वहां पर पेपर आती है। पेपर टोनी की पर्सनल सेक्रेटरी है, जो कि टोनी को बताती है कि उसकी आज अफगानिस्तान की फ्लाइट है, जहां पर वेपन डीलिंग के लिए टोनी को जाना है। जिसके बाद टोनी एयरपोर्ट पहुंचता है। रोडी उसके लेट आने से नाराज होता है, पर दोस्ती में तो यह सब चलता ही रहता है। जिसके बाद यूएस आर्मी के सामने टोनी डेमोन्स्ट्रेट करता है अपने मिसाइल को, और यह बहुत ही कामयाब होता है। जिसके बाद वह स्टेन को फोन करता है और बताता है कि उनकी डीलिंग कामयाब रही। जिसके बाद वह आर्मी की गाड़ी में जाने लगता है। तभी वहां पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और टोनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो बचने की कोशिश करता है, पर वहां पर स्टार्क इंडस्ट्री की ही एक मिसाइल आकर गिरती है और टोनी जख्मी हो जाता है। जब उसे होश आता है, तब वो खुद को एक गुफा में पाता है। उसकी छाती में एक प्लेट लगी होती है, जिसे बैटरी से जोड़ा गया होता है। वो सामने वाले आदमी से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसका नाम येनसेन होता है। येनसेन ने टोनी के चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया था, जो कि ब्लास्ट से टोनी के चेस्ट में गए छर्रों को उसके दिल तक पहुंचने से रोक रहा था। येनसेन खुद भी एक डॉक्टर और साइंटिस्ट होता है। तभी हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्टों ने किडनैप किया है। टेररिस्ट चाहते हैं कि टोनी उनके लिए भी वैसा ही मिसाइल बनाए जैसा कि उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था, मगर टोनी साफ इनकार कर देता है। जिस पर उसे टॉर्चर किया जाता है और दिखाया जाता है, वो एक ऐसे इलाके में है जहां उसको मिलिट्री भी नहीं ढूंढ सकती। तभी टेररिस्टों का सरदार टोनी से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। जिस पर टोनी मिसाइल बनाने के लिए हाँ कह देता है, क्योंकि वो जानता है वो अभी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। आगे टोनी काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले आर्क रिएक्टर बनाता है, जिससे कि उसको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद से ऊर्जा बनाने का एक सोर्स है। जिसके बाद टोनी एक ऐसे सूट पे काम शुरू कर देता है जो कि अभेद्य होगा, लेकिन टेररिस्टों को इसकी भनक लग जाती है और वो दरवाजे पर आकर गोलियां बरसाने लगते हैं। पूरे डेटा के डाउनलोड होने के बाद टोनी सूट को पहनता है। सभी टेररिस्टों को वो मारने लगता है, मगर इन सब के बीच येनसेन मारा जाता है। वो और टोनी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। टोनी बहुत इमोशनल हो जाता है और येनसेन को उसकी जिंदगी बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। मरने से पहले येनसेन कहता है कि टोनी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। जिसके बाद सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके टोनी वहां से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद उसको उसका दोस्त रोडी ढूंढ लेता है। आते ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, जहां पर वो ये ऐलान कर देता है कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की वेपन डिवीजन को बंद कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सामने कई जवानों को मरते हुए देखा था, अपने दोस्त येनसेन को मरते देखा उन्हीं विनाशकारी हथियारों से जिसको उसकी कंपनी ने बनाया था। अब उसकी आंखें खुल गई थी, इसीलिए अब वो दुनिया को मौत नहीं बल्कि जिंदगी देना चाहता था, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट में भी कंपनी का स्टॉक गिर जाता है। इसके बाद टोनी पेपर को अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है। वो पुराने वाले रिएक्टर को बदल देता है और नया रिएक्टर पेपर को लगाने को कहता है। जिसके बाद वो एक नए प्रोजेक्ट को शुरू कर देता है और अपने नए सूट को बनाने लगता है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स टोनी से खुश नहीं है। जिसके बाद सक्सेसफुली टोनी अपने सूट को तैयार कर लेता है और टेस्ट करता है। टेस्ट सक्सेसफुल रहता है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि टेररिस्टों को टोनी के पुराने सूट के टुकड़े मिल चुके हैं। आगे टोनी अपने सूट में कुछ बदलाव करता है और उसे और भी बेहतर बना देता है। उसके बाद वो एक पार्टी में पहुंचता है, जहां पर पेपर भी होती है।
वो साथ में डांस करते हैं, बातें करते हैं। उन्हें देखकर ये साफ समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जिसके बाद वहां पर वही पुरानी रिपोर्टर आती है। वो टोनी से कहती है कि गुलमीरा नाम की एक जगह पर अभी भी स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन्स टेररिस्टों के पास है। टोनी कहता है कि उसने ऐसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए। जिसके बाद टोनी सीधा स्टेन के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने ऐसा किया? क्या तुमने हेरा फेरी की और टेररिस्टों को वेपन्स बेचे? क्या तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि वहां वो लोगों को मार रहे हैं? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने ही वो वेपन्स को दिए। और वो टोनी की बात सुनने को तैयार भी नहीं होता। वो वहां से चला जाता है। टोनी अब खुद ही कुछ करने का सोचता है। वो खुद ही अपना सूट पहनता है और गुलमीरा पहुंच जाता है। वहां पर वो सभी टेररिस्टों को मार देता है, सबको बचाता है और सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद घर पर जब टोनी अपना सूट उतार रहा होता है, पेपर उसे देख लेती है। वो जान जाती है कि आयरन मैन कोई और नहीं बल्कि टोनी ही है। आगे दिखाया जाता है कि स्टेन उन टेररिस्टों से जाकर मिलता है, जहां पर वो स्टेन को टोनी का पुराना सूट दिखाते हैं। स्टेन टेररिस्ट को पैरालाइज्ड कर देता है, जिसका असर 15 मिनट तक रहता है। जिसके बाद वो उस सूट को अपने साथ ले आता है और उन सबको मरवा देता है। जिसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में छिपा देता है। और उधर टोनी पेपर से कहता है कि मैं अब हथियारों को किसी भी तरह दुनिया को तबाह नहीं करने दूंगा। वो पेपर से सारी जानकारी एक ड्राइव में लेकर आने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि स्टेन ने सारी जानकारी अपने कंप्यूटर में छिपाई है। पेपर बहुत ही बहादुरी से बहुत रिस्क लेकर वहां जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करके शील्ड के एजेंट कोल्सन को दे देती है। पेपर को वहां ये भी पता चलता है कि टोनी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टेन ही है। जिसके बाद स्टेन भी ये बात समझ जाता है कि पेपर सब कुछ जान चुकी है। स्टेन अपने साइंटिस्ट के पास जाता है और जल्द से जल्द सूट को बनाने के लिए कहता है। साइंटिस्ट बोलता है कि सूट को चलाने के लिए एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए स्टेन वहां से जाता है और टोनी के पास जाकर उसको मशीन से थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड कर देता है। वो उसके आर्क रिएक्टर को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि अब वो पेपर को भी नहीं जिंदा छोड़ेगा, क्योंकि पेपर अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। टोनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो चल भी नहीं पा रहा होता है। पेपर रोडी को कॉल करके सब कुछ बताती है। रोडी टोनी के घर पे पहुंचता है। वो वहां पर टोनी को जमीन पर गिरा हुआ पाता है। जिसके बाद स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए शील्ड के एजेंट्स के साथ पेपर स्टेन के ऑफिस जाती है। वहां पर स्टेन सब पर हमला कर देता है। स्टेन ने भी सूट को अपग्रेड करके बहुत बड़ा बनाया होता है। वो पेपर के पीछे पड़ जाता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर टोनी आता है और हमें धमाकेदार एक्शन देखने को मिलता है। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन टोनी के पास पुराना वाला रिएक्टर था जिसकी ऊर्जा अब लगभग खत्म ही होने वाली थी। इसीलिए अब टोनी छिप जाता है। वो पेपर को फोन करता है और कहता है कि वो किसी भी तरह स्टेन को छत के ऊपर लेके आएगा। तभी पेपर को पूरे रिएक्टर में प्रेशर बढ़ा के रिएक्टर को उड़ाना होगा, जिससे कि छत के साथ साथ स्टेन के भी परखच्चे उड़ जाए। टोनी बड़ी चालाकी से उसके सूट के कुछ मैकेनिज्म को खराब कर देता है, जिससे कि वो निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। वो गुस्से में टोनी को उसी जगह फेंक देता है जहां पर टोनी उसको लाना चाहता था। टोनी जोर से चिल्लाता है और पेपर को बटन दबाने के लिए कहता है, जिससे कि रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाए। तभी पेपर बटन दबाती है और टोनी छत में साइड हो जाता है, जिससे की सारी बिजली एक साथ स्टेन पर गिर जाती है और स्टेन रिएक्टर में नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्टेन मारा जाता है। दिखाया जाता है कि टोनी अब जिंदा है। आगे प्रेस में रोडी सबको बताता है कि यह सब कुछ मात्र एक्सरसाइज थी, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन टोनी आकर सबके सामने ये कहता है कि मैं ही आयरन मैन। जिसके बाद मीडिया में हड़कंप मच जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी को दिखाया जाता है। वो आकर एवेंजर्स के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि कैसे एक रईस सुपर जीनियस रिच बिलियनियर हादसे के बाद अपने जिंदगी का लक्ष्य पाता है और दुनिया में अमन कायम करने के लिए हथियारों का सौदा छोड़कर लोगों के लिए लड़ता है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। हम अपने चैनल वॉच ऑन पॉइंट पर पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप भी जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।